हम साथ साथ सीख रहे हो और जो हमारे करिकुला का बिल्कुल उस तरह से हिस्सा ना हो, उसमें उस तरह की शामिल ना हो जिस तरह से आम रूटीन में चीजें हमारे पास शामिल होती हैं, पूरा एक फोकस होता है। इस हमारे अमूमी तौर पर जो फॉर्मल, अगर आप एजुकेशन की बात करें तो जी, मैं बात कर रहा था कि फॉर्मल करिकुला कंसिस्ट ऑफ कोर्सेज, लेसन एंड लर्निंग एक्टिविटीज, स्टूडेंट पार्टिसिपेट उसमें बहुत ज्यादा करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नॉलेज सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं। अगर मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहूँ कि किस तरह से हम हिडन करिकुला उसको समझ सकते हैं, तो हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम अमूमी तौर पर फॉलो करते हैं अपनी बुक्स, लेकिन उन बुक्स के साथ साथ हम बच्चों को कुछ ऐसे रवैये सिखा रहे होते हैं जो हमारी इंटेंशन नहीं होती, जो हमारा मकसद उनको सिखाना नहीं होता। हमारी क्लासरूम, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे उठक बैठक, हमारी इन चीजों से बच्चों को हम कुछ स्किल्स जो है वो सिखा रहे होते हैं। तो इस किस्म की जो स्किल्स हैं उनको हम डियर पार्टिसिपेंट्स कहते हैं जी हिडन करिकुला, वो चीजें जो मतलब आपके पास अनऑफिशियल होती है, अनरिटन होती है, अनइंटेंशनली हम जो है वो चीजें सीख रहे हो, तो इस किस्म की जो चीजें हैं जी, इस किस्म का जो करिकुला है हमारे पास होगा जी आपका हिडन करिकुला। उसके बाद नल करिकुलम है। नल करिकुलम को लेकर अक्सर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि नल करिकुला जो है वो क्या होता है, ये किसकी किसी एक करेक्टरिस्टिक को लेकर आ जाते हैं। तो नल करिकुला से मुराद सिंपल सी वो बात है कि आपका स्कूलों में वो करिकुला जो पढ़ाया ही नहीं जाता उसको हम नल करिकुला जो है वो कहते हैं। एजनर ने सजेस्ट किया था कि जब आप करिकुलम डिजाइन की बात कर रहे थे तो वो कहता है कि टीचर चूज टू लीव आउट ऑफ द करिकुलम द नल करिकुलम सेंस टू अ सीक्रेट मैसेज अबाउट व्हाट इज टू बी वैल्यूड, व्हाट चिल्ड्रन डोंट लर्न इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट दे लर्न। तो समटाइम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ना सीखना, जिनका ना जानना, जिनके ऊपर ना बात करना ही जरूरी होता है, इवन दो कि हमारे वो चीजें शामिल होती हैं, हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं, हमारे इन चीजों को लेकर हम चल रहे होते हैं अपनी जिंदगियों में, इन चीजों के ऊपर हम काम भी कर रहे होते हैं, अमल भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें हमारी जो सोसाइटी में चलने वाली जो एक नेगेटिव वैल्यूज है, अब नेगेटिव वैल्यूज को कभी भी हमारे स्कूलों में प्रमोट नहीं किया जाएगा, कभी भी ये नहीं कहा जाएगा कि आप किसी को चीट करने, किसी को आप झूठ बोलने किसी के साथ, लेकिन वो क्या है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसी चीजें जिनको पढ़ाया ही नहीं जाता, जिनके ऊपर फोकस ही नहीं किया जाता, ऐसी चीजों के ऊपर जो हमारा कॉन्टेंट इन केस जिसको पढ़ाया ही नहीं जाता तो वो हमारा कहलाएगा जी नल करिकुलम। आगे बढ़ते हैं, स्पाइरल करिकुलम। आज हमने बहुत से मॉडल्स पढ़े हैं, कोई 8 से 10 मॉडल है और कुछ ऐसे मॉडल होंगे जो यकीनन आप लोगों ने पहले सुने होंगे, आप लोगों ने पहले देखा होगा, पहले पढ़े होंगे, जानते होंगे इनके बारे में, लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। ब्रूनर ये कहता है कि करिकुलम इज एज इट डिवेल्प्स शुड रिविजिट द बेसिक आइडियाज रिपीटेडली। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं कल अर्ज कर रहा था स्पाइरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कि आप कैसे वो चीजों को बार बार लिंक कर रहे होते हो। तो ब्रूनर यहाँ पर इस करिकुलम के ऊपर एम्फसिस देते हुए वो ये कहता है कि आपको रिपीटेडली चीजों को इंक्लूड करना चाहिए और ऐसी चीजें आपके करिकुला में शामिल होनी चाहिए कि जो अगली चीज है उसका तल्लक हो पिछली चीज के साथ। और वो कहता है कि एक ही कंसेप्ट को आप स्टेम चेंज करके, जैसे आपने देखा है कि आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, कंसेप्ट वही होता है जो आपने बार बार पढ़ा होता है, जिसके ऊपर आपने अक्सर बात की होती है, तो इन चीजों को लेकर आपके कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनको बार बार आप शामिल करें, सिर्फ इसलिए शामिल करें कि हमारे जो स्टूडेंट है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, उसके मीनिंग्स जो है उनको ग्रैस्प कर सके। तो इस किस्म का जो करिकुला होता है डियर स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं जी स्पाइरल करिकुलम। नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारे पास, अब हमने पढ़ने हैं जी कुछ मॉडल है करिकुलम डेवलपमेंट के। जी मोहम्मद, आपका कोई क्वेश्चन है? अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिए, या मुझे लगता है कि आपने वो वैसे ही हैंड रेज किया हुआ है शायद, या हो गया है आपसे। ओके, तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब हमने इंशाल्लाह डिस्कस करनी है जी आपके करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर कुछ मॉडल्स, और इन मॉडल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। तो
इन मॉडल्स को लेकर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि आपका जो था ये मॉडल किसने दिया, किस ईयर में दिया गया, इसके मेन इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, या कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, कौन सा आपका करिकुलम का मॉडल ऐसा है जिसमें जो आपका टीचर है, स्कूल टीचर, वो करिकुला बनाता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर जो फोकस है वो आपके किस एस्पेक्ट पे होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है आज के हमारे जो ये जो सेशन है इसमें हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इन मॉडल्स को। तो आप लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो कंसेप्ट को ग्रैस्प करने पर होना चाहिए। इसका स्टेम डिफरेंट हो सकता है, डिस्ट्रक्टर जो है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ओके डियर मोहसिन, मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास जो पैटर्न थे करिकुलम डेवलपमेंट के इनको लेकर, सबसे पहले हमने बात की थी जी स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुला, उसके बाद हमने स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुला के बाद हमने बात की टीचर सेंटर्ड करिकुला, ये हमारा दूसरा मॉडल था या पैटर्न था। उसके बाद हमने बात की सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुला, तीन हो गए जी प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुला, चार हो गए जी इंटीग्रेटेड करिकुलम आपका, पांच हो गए जी एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, छह हो गए। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एक्टिविटी कुछ इसमें देखी थी, कोर करिकुलम आपके पास सात हो गए, हिडन करिकुला आपके पास आठ हो गए, नल करिकुलम आपके पास नौ। तो ये नौ पैटर्न हमने देखे आज करिकुलम के हवाले से। मेरी ये कोशिश थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को लेकर आ सकूं, या ऐसी चीजें जो हमारी इन बुक्स में शामिल नहीं है मैं उन पैटर्न्स को भी यहाँ पर डिस्कस कर सकूं। तो आपके पास आपके हाथ में इस वक्त जो कोई एक किताब हो सकती है उसमें हो सकता है कि इन नौ में से चार हो पांच हो, लेकिन मैं आपकी खिदमत में आपके लिए लेकर आया हूँ नौ पैटर्न, इसलिए कि आपको क्वेश्चन जो है वो वहां पर किसी पैटर्न के हवाले से आ सकता है, किसी मॉडल के हवाले से आ सकता है। तो मेरी ये कोशिश है कि आपका वहां पर कोई क्वेश्चन रह ना पाए। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि अब हम बात करने लगे हैं, क्योंकि इसमें स्पाइरल करिकुला हमने पढ़ा तो दस थे आपके, अब हम बात करने लगे हैं जी मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के। इनको लेकर मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपको कुछ इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। मनीबा का ये फरमाती है कि आई डोंट हियर साउंड, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है जी? ओके थैंक यू, ओके बहुत शुक्रिया जी। पहला जो मॉडल हम ये स्टूडेंट्स देखने जा रहे हैं वो जी हमारे पास टेलर मॉडल। टेलर मॉडल जैसे कि नाम से जाहिर है ये टेलर ने दिया, 1949 में दिया। इसको लेकर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ सकता है कि ये किस ईयर में दिया गया, इसको किसने दिया, ये किसका आइडिया था, किसका ख्याल था। इस करिकुला मॉडल को लेकर बहुत सारी बात की गई और ये एक बहुत आपका इम्पोर्टेंट आपका पास आपके पास करिकुलम मॉडल है। हम बात करते हैं कि इसका जो मेन फोकस था वो किन चीजों के ऊपर था। तो टेलर ये कहता है कि आपको करिकुलम को डेवलप करते हुए चार क्वेश्चंस हैं, चार ऐसी चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, और ये चारों चीजें आप इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, और इन चारों चीजों के बगैर वो कहता है कि आप करिकुलम जो है उसको डेवलप करने या उसको किसी इस तरह के हवाले से आप नहीं जा सकते अगर आप इन चार चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते। तो वो चार क्वेश्चन उसके कौन से थे, वो चार चीजें जो उसका कंसर्न थी वो कौन सी थी। पहला जो उसका कंसर्न था कि व्हाट एजुकेशनल प्रोसेस शुड द स्कूल सीक टू हैव, कि आपका मकसद क्या है, आप स्कूल के जरिए किस किस्म के अपने मकासद, अपने एम्स, अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप अपने इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ कि जब आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है, जब आप इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है कि व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पस। कि अब आपने देखना है कि आपके पास जो आपने सिलेक्ट कर लिए अपने लिए एम गोल, अब उनको आपने अचीव कैसे करना है, और उनको अचीव करने के लिए क्लासरूम के अंदर आपको किस किस्म के एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस की जरूरत है। अब यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से मुराद स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को लेकर, लर्निंग के कॉन्सेप्ट को लेकर स्टूडेंट और टीचर जो इंटरेक्शन है, टीचर
टीचर इंटरेक्शन है या स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरेक्शन है, इन चीजों को देखा जाएगा कि किस तरह से आप अपने उन मकासद को हासिल कर सकते हैं, आप कौन सी जो है वो वे ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो क्या होगी। तो इस तरह से आपने जी दूसरे लेवल पर वो कहता है कि आपने सर्च करनी है अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पे वो कहता है कि जब आप इन एक्सपीरियंसेस को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आपने इनको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज आपने इस वे में करना है कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो उनको हासिल कर सके। चौथी जो पॉइंट है वो कहता है कि हाउ कैन वी डिटरमिन व्हाइदर दीज पर्पस आर बीइंग अटेन्ड और नॉट। आपने इवेल्युएट करना है, आपने आउटकम्स आपने देखनी है कि आपने जो जो मकासद तय किए हुए थे, आपने कुछ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस का चुनाव किया, उसके बाद आपने इनको ऑर्गेनाइज किया, तो क्या आपने इन सारी चीजों के बाद अपने वो मकासद अचीव किए या नहीं। तो ये चार मेन सवाल थे और इन्हीं चारों चीजों को लेकर मैंने आगे तफसील आपके सामने बयान की है। तो ये था जी हमारा टेलर मॉडल। टेलर मॉडल के हवाले से क्वेश्चन आपको कैसे आ सकते हैं कि इसमें स्टेप कितने थे या कंसर्न जो थे उनकी तादाद क्या थी, या वो पूछ सकता है इनका सीक्वेंस पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि टेलर मॉडल जो है वो किस बुक में, मतलब उसने दिया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, उसकी जो बुक थी उसमें उसने ये प्रेजेंट किया है। बाकी बहुत ज़्यादा तफसील में मैं इसकी नहीं जाऊँगा कि अगर हम इसको सिर्फ एज मॉडल देखना शुरू कर दें या एज अ स्टूडेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट अगर हम इसको देखना चाहें तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लंबी बात हो सकती है और हमारे कई सेशंस हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपको गैर ज़रूरी जो मालूम आता है, जो गैर ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, मैंने आपको उससे बचाना है और आपका फोकस रखना है सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें आपको आपके PPSC के क्वेश्चन में आ सकती हैं, PPSC के पेपर्स में आ सकती हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास व्हीलर मॉडल। व्हीलर मॉडल जैसे कि नाम से जाहिर है व्हीलर ने दिया, वो कहता है कि पांच स्टेप्स है जिनको आपने फॉलो करना होता है। वो पांच स्टेप्स आपके पास कौन से हैं? नंबर वन इज सिलेक्शन ऑफ एम गोल एंड ऑब्जेक्टिव। अमूमी तौर पर जो हमारे पास करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल है उन तमाम मॉडल में पहली जो फेज या पहली जो स्टेज है वो यही है कि आपने सिलेक्ट करने हैं अप्रोप्रिएट एम्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स के, आप क्या कौन से ऐसे एम्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं और कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको आप अचीव करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमने इन चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट है हमारे पास इस मॉडल में सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल मिलता जुलता है जो हमारा पिछला मॉडल अभी हमने देखा है टेलर मॉडल का, उसके मुताबिक है कि यहाँ पर भी सेकेंड स्टेज पे सेकेंड फेज पे क्या होता है कि आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है उनको आपने सेलेक्ट करना है। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में अब नहीं जाऊँगा लर्निंग एक्सपीरियंसिस की। नेक्स्ट है कि जब आपने लर्निंग एक्सपीरियंसिस आपने सेलेक्ट कर ली है बच्चों की सिचुएशन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपने मकासद को हासिल करने के लिए, देन अब आपने तीसरे लेवल पे तीसरी स्टेज पे जाकर आपने जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट करना है। और कंटेंट की सिलेक्शन जो है वो हम अपने कल वाले जो हमारा सेशन था उसमें पढ़ चुके हैं कि हमने कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसके ऊपर वो पूरा उतरता हो तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तीसरा फेज था जी। चौथा फेज क्या है कि जब आपने अपने लिए कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद चौथे स्टेज चौथे फेज में जाकर आपने क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है उस कंटेंट को। और जो दूसरे लेवल पे दूसरी स्टेज पे या दूसरे फेज में आपने कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट किए थे, आपने करिकुला को या आपने वो जो कंटेंट सेलेक्ट किया है उसको अब आपने इंटीग्रेट करना है अपने उन एक्सपीरियंसेस के साथ। पांचवी जो स्टेज है वो आपकी एवेल्यूएशन है। तो इस मॉडल को लेकर भी आपको क्वेश्चन जो है वो कुछ इसी तरह के आ सकते हैं जैसे कि हमारे पास मैंने अर्ज किया था टेलर मॉडल को लेकर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। हेल्डा टैबा मॉडल जो है वो बहुत मशहूर मॉडल है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन बहुत दफा आता है। ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए ये शायद इंफॉर्मेशन होगी कि जो हेल्डा टैबा ये जो नाम है इसको पढ़कर सुनकर यही लगता है कि ये शायद कोई मेल नेम है, लेकिन ये फीमेल एजुकेशनिस्ट थी। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी करिकुलम डेवलपमेंट
थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो कि पब्लिश हुई 1962 में, तो यहाँ से आपको अंदाजा ये हो सकता है कि ये जो मॉडल था ये 1962 में ओके जी मैं अभी आपकी चैट देख रहा था, इसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, आप बेफिक्र हैं, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर आगे जाकर मिलने वाला है इंशाल्लाह जी। तो हेल्डर टैबा के मॉडल की बात कर रहा था, तो हेल्डर टैबा एक ऐसी मॉडल, ऐसी करिकुलम डेवलपर थी, ऐसी एजुकेशनिस्ट थी, जिनका ये ख्याल था कि आपका जो टीचर है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है करिकुलम को डेवेलप करते हुए। वो कहती है कि ये राइट तो टीचर के पास होना चाहिए, क्योंकि टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है क्लासरूम में बच्चों के साथ, इसलिए टीचर जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पर ये समझ सकता है कि हमारे बच्चे को किस किस्म के कंटेंट की जरूरत है, किस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस की जरूरत है। पॉलिसी मेकर्स या डिसीजन मेकर जो है वो किसी और जगह पर बैठे होते हैं, और वो किसी फार ऑफ एरिया में काम करने वाले जो टीचर्स हैं वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी जो जरूरियात है उनसे ना वाकिफ होते हैं, और सिर्फ अपने जो उनके पास एक नॉलेज है उसकी बिना पर वो करिकुला को डेवेलप कर देते हैं, तो जिससे सम टाइम ये होता है कि हम वो मकसद अचीव नहीं कर पाते जो हमें हासिल कर लेने चाहिए। तो इस ये जो करिकुला मॉडल है इसमें ये बहुत अहम चीज़ है जो आपको अक्सर पूछी जाती है कि कौन सा ऐसा करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल है जिसके मुताबिक टीचर को ये राइट दिया जाता है या टीचर को ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो करिकुला को डेवेलप कर सके, तो वो आपका मॉडल है जी हेल्डर टैब मॉडल। पीछे हमने पढ़े हैं जी टेलर मॉडल, व्हीलर मॉडल, उसमें हमने देखा टेलर मॉडल में हमारे पास चार स्टेप थे, जो व्हीलर मॉडल है उसमें पांच स्टेप थे, हेल्डर टैबा का जो करिकुलम का मॉडल है उसमें टोटल आपके जी सात स्टेप है। अब हम वन बाई वन इनको लिख लेते हैं। नंबर वन इज डायग्नोसिस ऑफ नीड, कि आपके पास नीड जो है आप उसको पहले डायग्नोज करें, आप आइडेंटिफाई करें कि आपका जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस किस्म के करिकुला को पढ़ने की जरूरत है, आप उस लोकेलिटी का एक सिचुएशनल एनालिसिस करें, आप उस कम्युनिटी का एक सिचुएशनल एनालिसिस करें, और इस चीज को आप ऑन पेपर ला सकें कि आपके वहां पर रहने वाले लोग उनको किस किस्म की मुहावरों को सीखने की जरूरत है, उनके पास किस किस्म के अलूम सीखने की उनको जरूरत है। तो सबसे जो पहली बात है वो आप उस नीड को डायग्नोज करें। जब आप उस नीड को डायग्नोज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि आपने उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना है। नीड्स को डायग्नोज करने के हवाले से यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की हुई है कि द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर अनएबल टू थिंक क्रिटिकली। जब आपने ये चीज देखी है तो फिर यहाँ से हमें ये अंदाजा हो सकता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे होने चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्रिटिकली थिंक कर सकें। अब हमारा जो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट अगले लेवल पर जाकर आएगा वो भी ऐसा होना चाहिए जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सके। तो फर्स्ट लेवल पे हमने क्या करना है जी, इसमें डायग्नोज करना है नीड को। सेकंड लेवल पे हमने क्या करना है जी कि अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो बनाने हैं। तीसरे लेवल पे आपने जाकर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करनी है जैसा कि मैं अभी अर्ज कर रहा था, और इस ये जो आपकी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है ये बेस्ड होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स पर, और इसी तरह ये जो आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं कंटेंट को वो आपका कंटेंट जो है वो वैलिड भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, सिग्निफिकेंट भी होना चाहिए, और जो कंटेंट है वो आप ऐसा चूज करें कि आपके जो स्टूडेंट्स की नीड को आपने जिस आइडेंटिफाई किया हुआ है उन नीड्स को वो पूरा कर सके, उसकी सोशल नॉर्म्स के साथ कम्युनिटी के साथ एक रेलिवेंसी हो, सिग्निफिकेंस हो उसकी जी। चौथा जो हमारे पास डियर स्टूडेंट इसमें चौथी जो स्टेज है हमारे पास वो है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। जब आपने सिलेक्ट को कंटेंट कर लिया उसके बाद आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट को लेकर हम हमारी गुज़िश्ता जो क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं कि किसी कंटेंट को ऑर्गेनाइज हम कैसे करते हैं, तो अब यहाँ पर मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ जी सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। हेल्डर टैबा ये कहती है कि पहले आपने नीड को डायग्नोज किया, देन आपने ऑब्जेक्टिव बनाए, तीसरे लेवल पे आके कॉन्टेंट सेलेक्ट किया, अब आप सेलेक्ट को ऑर्गेनाइज भी कर दें। पांचवें स्टेज पे पांचवें फेज पे वो ये कहती है कि अब आपके पास बच्चे की नीड का भी वो था और आपके पास कंटेंट भी आ गया, अब आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस अपने जो है वो सिलेक्ट करने हैं इन दोनों चीजों को देखते हुए, इन दोनों चीजों में एक अलाइनमेंट लाते हुए। तो पांचवा लेवल था जी इसमें। छठे लेवल पे क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज के अपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे
उनको अचीव करने के लिए आप एक्टिविटीज को अरेंज करें, आप एक्टिविटीज जो है उनको आप ऑर्गेनाइज करें। लास्ट लेवल जो अमूमी तौर पर तकरीबन सब में जो है वो यकसा होता है, जैसे पहला और लास्ट यकसा होता है अमूमन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत सारे हमारे जो करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल है उनमें पहला फेज या पहली स्टेज होती है, लेकिन हेल्डर डेवा में वो पैदा नहीं था। लास्ट क्या जी, हमारे पास एवेल्यूएशन एंड मींस ऑफ एवेल्यूएशन के आप अपने करिकुला को ना सिर्फ एवेल्यूएट कर सकें बल्कि आपको आपके पास ऐसे ज़राए, ऐसे सोर्सेज, आपके पास ऐसी डिवाइसेस, ऐसी आपके पास प्लान्स होने चाहिए कि आप उनकी मदद से एवेल्यूएट कर सकें अपने करिकुला को। अभी तक हमने पढ़े डियर स्टूडेंट्स तीन मॉडल, नेक्स्ट है हमारे पास सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल। अब हमने देखना है कि ये आपका जो सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है ये क्या है। ये डियर पार्टिसिपेंट 1974 में ये सेलर ने और अलेक्जेंडर ने ये करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल पेश किया था। इसके मुताबिक वो करिकुला को डिफाइन करता है कि करिकुला है क्या आपका। वो कहता है कि आप प्लान फॉर प्रोवाइडिंग सेट्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू अचीव ब्रॉड एजुकेशनल गोल एंड रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर एन identifiable population served by single school center. तो वो कहता है कि वही आपके learning experiences थे, आपकी वो total activities थी, curricular को curricular, आपके inside school, outside the school थे, आप अपने objectives, अपने goals को achieve करने के लिए अगर आप करके कर रहे हैं ये सारी efforts तो that is part of your curricula. आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास सेलर और अलेक्जेंडर मॉडल है जी, इसमें हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स हैं। तो हमारे पास डियर पार्टिसिपेंट्स चार स्टेप है, बिल्कुल उसी तरह से इसमें जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर वन इज गोल ऑब्जेक्टिव एंड डोमेन्स, कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके मकासद क्या है, आप इस करिकुला के जरिए अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसमें किस किस्म की समाजी मुआशी इखलाकी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वो कहता है कि आपके पास ये जो गोल्स है इसकी चार मेजर गोल्स या चार मेजर डोमेन्स होती हैं आपके पास अमूमी तौर पर जिनको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इस करिकुलम का जो मॉडल है इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास पहली स्टेज थी उसी स्टेज को लेकर वो आगे बात करते हैं सेलर और अलेक्जेंडर के। अमूमी तौर पर हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सिर्फ चार डोमेन्स के मुतल्लिक होते हैं। वो चार डोमेन्स कौन सी है, नंबर वन इज पर्सनल डेवलपमेंट, कि आपके करिकुला का मकसद क्या हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट, या ह्यूमन रिलेशंस हो सकते हैं क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वी हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, वी हैव टू डिपेंड अपॉन ईच अदर। नेक्स्ट है जी कंटिन्यूड लर्निंग स्किल्स। नेक्स्ट है जी आपके पास स्पेशलाइजेशन। वो कहते हैं कि ये चार डोमेन्स हैं और आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अमूमी तौर पर इन चार डोमेन्स में से ही होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास द गोल ऑब्जेक्टिव एंड डोमेन आर सिलेक्टेड आफ्टर केयरफुल कंसीडरेशन ऑफ सेवरल एक्सटर्नल वेरिएबल्स सच एज फाइंडिंग फ्रॉम आप डिफरेंट किस्म की जो रिसर्च हुई हुई है, जो स्टडीज हुई हुई है, वहां से आप अपने ये जो चार डोमेन्स हैं इनको मद्देनजर रखते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड स्टेज है जी आपके पास करिकुलम डिजाइनिंग। वो कहता है कि जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव और डोमेन जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया है, अब आप अगले लेवल पे आ जाती है और अगला लेवल आपके पास कौन सा है, करिकुला को डिजाइन करने का। वो कहता है कि यहाँ पर अब आपने डिसाइड करना होता है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को किस किस्म की लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपने देनी है और उन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को आपने कैसे बच्चों के लिए इस काबिल बनाना है कि उनकी मदद से बच्चे वो मकासद जो आपने सेट किए होते हैं उनको वो हासिल कर सके। तो सेकंड स्टेज इसमें थी आपकी करिकुलम डिजाइनिंग की। तीसरी जो स्टेज है वो है जी करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की। जब आपने डिजाइन कर लिया तो अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन आपको पता है कि एक फाइनल प्रोसेस होता है और अमूमी तौर पर हमारे पास जितने भी टीचिंग मेथड्स टीचिंग मॉडल्स अभी तक हमने पढ़े हैं उनमें अमूमी तौर पर ये वाला जो हमारे पास फेज है वो लास्ट फेज होता है, ये फाइनल फेज होता है। इसमें आपने एवेल्यूएशन के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं कि इसमें आपने बेसिकली डिसाइड करना होता है उस करिकुला की वर्थ वैल्यू, उसके हवाले से आपने डिसीजंस लेने होते हैं। तो ये था जी आपका सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल।
आज की जो आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है वो ये है कि हमारे पास में कुछ करिकुलम मॉडल है, आपने देखा होगा कुछ के मैंने वहां पर ईयर या डेट लिख दी है और कुछ के मैंने जानबूझकर छोड़ दी है, जो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें थी, जैसे आपको व्हीलर में आपको नजर नहीं आया या आपको हाँ सिर्फ व्हीलर में ही नहीं दिया हुआ मैंने, तो इन चीजों को आपने या सेनियर अलेक्जेंडर वाले में भी शायद नहीं दिया, तो इन चीजों को आपने देखना है जी कि ये क्या है। और इसके बाद मैंने एक मॉडल जो है वो आपके लिए छोड़ दिया है और ये एक मॉडल आपकी जो ये क्वालिफाई वाली बुक है उसमें भी मौजूद है, लॉटन मॉडल ऑफ करिकुलम प्रोसेस, ये आपकी असाइनमेंट है, इसके ऊपर कल हमारी असाइनमेंट आप देंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम हमें आप पहले से आप असाइनमेंट जो है वो देते आ रहे हैं। सिंपल इसमें क्या करना है कि ये मॉडल है क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, किस ईयर में आया या किस बुक में, मतलब जो लॉटन थे उन्होंने ये करिकुलम मॉडल जो था वो प्रेजेंट किया, फिर इसके अंदर फेजेस या स्टेजेस जो थी वो कौन कौन सी थी और थोड़ी बहुत उनकी डिटेल, एक पेज की आपकी ये असाइनमेंट होगी। इसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जी कि इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या है करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से। तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं कि टीचर जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करने में बहुत रिलक्टेंट होते हैं, हमारे पास आखिरी 10 मिनट है जी आपके क्वेश्चन आंसर के लिए होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस स्लाइड को मैं कंप्लीट कर लूं क्योंकि ये हमारी आखिरी स्लाइड है। तो टीचर जो है वो अमूमी तौर पर ना सिर्फ टीचर बल्कि ये इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज है, फुलर ने बहुत सारा काम किया हुआ है सोशल चेंज एजुकेशनल चेंज को लेकर, वो कहते हैं कि चेंज को एक्सेप्ट करना हर किसी के लिए जो है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इवन दो के जो हमारे टीचर हैं वो सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग होते हैं और उनके पास जो स्किल्स हैं जो मुहावरे हैं वो हमारी आम पब्लिक आम लोगों से ज्यादा होती है, इनमें अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत कैपेबिलिटी एम्पैथी की जो स्किल है वो इनमें ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे टीचर हैं वो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आपके पास एक चीज नजर आई है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर आप चले जाए जब भी करिकुला को चेंज करने के हवाले से बात की जाएगी तो सबसे पहले उसकी जो मुखालफत है वो जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने उस करिकुला को इम्प्लीमेंट करना होता है, जो टर्मिनल इम्प्लीमेंटर है आपके चेंज एजेंट है यानी कि आपके टीचर्स, वो इसको अपोज करते हैं कि आपका जो करिकुला है उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो पिछले कई सालों से उसको पढ़ा रहे होते हैं, उसके साथ यूज टू हो चुके होते हैं, इसलिए वो उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास लैक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग, अगर इन केस हम अपना जो करिकुला है उसको चेंज कर भी दें तो अब जो हमारे टीचर्स हैं उनकी उस नए करिकुला के साथ अडेप्टेबिलिटी के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग का प्रोग्राम होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से स्पेशली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज लैक कर रही है। आज से कुछ साल पहले हमारा एक इदारा होता था जिसका पहले नाम DSP था, अब उसका नाम चेंज करके कायद रख दिया गया है, उसमें एक कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम के तहत जो टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग थी या उनकी प्रोफेशनल डे को लेकर वो सेलिब्रेट करते थे और कुछ इस तरह की ट्रेनिंग होती थी वो बहुत थोड़े अरसे के लिए रही, लेकिन उससे पहले भी ऐसा कोई सिलसिला ऐसा नहीं था, कोई इतना एस्टैब्लिश सिलसिला नहीं था और उसके बाद से भी नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब करिकुला को लेकर आपको पता है कि करिकुला एक ऐसी चीज है जो बेस होती है कि आप अपनी सोसाइटी को कौन सी डायरेक्शन देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ कि जब कसूर में आज से कुछ अर्सा पहले एक जैनब वाकया हुआ, उस वक्त हमारे जो एजुकेशन के मिनिस्टर थे स्कूल एजुकेशन के वराना मशहूर थे, उन्होंने उस वक्त के जो हमारा एक डिपार्टमेंट है करिकुलम डेवलपमेंट को लेकर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो उसके जो डायरेक्टर थे उनको बुला लिया और उनको बुलाते ही जो पहला क्वेश्चन जो पहली बात उनसे पूछी गई कि वो ये थी कि आप किस किस्म का करिकुला दे रहे हैं, आप अपनी जो लोग हैं उनको आप किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। तो हर जो सियासी जमात आती है उसके जहां नेशनल कास्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इन चीजों के ऊपर काम करना होता है, वहां पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी है उसको भी उन्होंने इसमें शामिल रखना होता है। अब आप देख लें कि जब 2000 जब हमारे पास मुशर्रफ दौर था, 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर पंजाब में हमारे चौधरी जो थे इनकी हुकूमत थी, तो आप उस वक्त की जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उनको निकाल कर देख ले, आपको हर बुक जो है उसके ऊपर चौधरी परवेज लाई जो थे उनकी तस्वीर, उनका पैगाम, उनका जो एक पॉलिटिकल आपके लिए चीजें हो सकती हैं
वो उन्होंने एक्सप्रेस की हुई थी। इसी तरह अगर आप कुछ अर्सा पहले देख लें, हमारे जो पुराने और मशहूर तरीन खादमे आला है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी तस्वीरें और उनका भी जो पॉलिटिकल एजेंडा था वो शामिल होता था। इसी तरह अगर ये गवर्नमेंट आ रही है तो इस तरह तो हर गवर्नमेंट जो है उसकी इंटरफेरेंस होती है। जब भी आप करिकुला चेंज करना चाह रहे होते हैं तो जो लास्ट गवर्नमेंट जिसने दिया होता है वो सबसे पहले इस चीज की मुखालफत करती है। इनके अपने अपने तहफात, अपने अपनी तरजीहत होती है जिनको वो ये कार्ड खेल कर पूरा करते हैं जी। नेक्स्ट है जी, आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जी कि जो हम सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर सकते। जैसे हमने अपना करिकुला जो था इसको चेंज करना था 2006 में, लेकिन आज तक हम नहीं कर सके इंटर तक, इंटर के बाद, इंटर या इंटर लेवल के बाद। आप देख ले उससे पहले हमने एक दफा किया है जो कि हर 10 साल के बाद होना चाहिए था, हम उसको नहीं कर पा रहे। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे पा रहे कि हमारे पास उस तरह के मिसाइल नहीं है। उसके बाद है जी इनएडिक्वेट एवेल्यूएशन, आपके पास करिकुलम डेवलपमेंट और इटसेल्फ जो असेसमेंट और एवेल्यूएशन वाला जो हमारे पास एक सिस्टम है वो इतना पुअर है, इतना वीक है कि आपको वो आगे जाने ही नहीं देगा। लैक ऑफ कमिटमेंट टू नेशनल फिलोसफी है। आप देख लें हमारे जब हम 1947 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो हमारे उस वक्त कंट्री हेड थे कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, उनका जो मैसेज जब रीड किया गया था तो उसमें एक बेसिक चीज शामिल थी, सिविक सेंस। आप हमारा आज का करिकुला देख रहे हैं, इसमें इस नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो हम अपनी जो नेशनल फिलोसफी है उसके साथ कमिटमेंट ही नहीं रही हमारी, ये चीज भी एक प्रॉब्लम है, इशू है हमारे लिए। देन डिस अप्रूवल ऑफ सोसाइटी, अमूमी तौर पर हम नई चीजों को अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह नए करिकुला को भी वो जगह वो बनाने में एक टाइम लगता है। लैक ऑफ सीक्वेंस है, आप पॉलिसीज बनाते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, लेकिन इसमें जो सीक्वेंस की बहुत ज्यादा कमी है। आपका जो करिकुलम है अगर आप बनाते हैं तो वो अर्बनाइज्ड होता है, जो हमारा रूरल एरियाज है या जो हमारे बिल्कुल रिमोट एरियाज के लोग हैं वो उनकी जो विशेज होती है उनके वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा होता। नेक्स्ट आपके पास लैक ऑफ टीचिंग मटीरियल, इनकी भी कमी है। तो ये थे जी कुछ मसाइल मेरे पास है इस मीटिंग में, अभी 4 मिनट। कल का जो दिन है वो होगा आपका रिवीजन का, परसों इंशाल्लाह आपका पीपीएससी की तर्ज पे आपका वो टेस्ट लिया जाएगा जो हमारी पहले से एक रूटीन है। मैं इंशाल्लाह उस टेस्ट को गूगल फॉर्म पे बनाकर जैसे हम पहले ले रहे हैं वो आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। लेकिन मैं इस आने वाले टेस्ट में एक चीज को जो है वो एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ या एक चीज को ट्राई करना चाहता हूँ। मैं आपको उसमें क्वेश्चन दूंगा 60, लेकिन आपको उसको अटेम्प्ट करने के लिए मिनट दूंगा 40। मैं चाहता हूँ कि आप जरा थोड़ा सा स्पीड अप हो सके और आप अपनी स्पीड बना सके कि वहां पर जब आपने जाना है तो 90 मिनट में आपने 100 जो क्वेश्चन है उनको कैसे करना है। तो अगर आप मुझे इजाजत दें सब लोग, तो क्या इस चीज को हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए 60 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट्स? ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सदफ जफर, बहुत शुक्रिया शुमाइला बशीर, बहुत शुक्रिया मैम अक्सा समरावार से, सानिया निसार, बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। ओके, वी विल ट्राई फॉर नेगेटिव मार्किंग एज वेल। इसमें ये हो सकता है कि आप जैसे ही वो क्वेश्चन आप अपना पेपर जो है वो सबमिट करते हैं तो आपको पता चल जाता है उस वक्त आपके रिजल्ट का, तो आपको वहां से ये पता चल जाता है कि अगर आपके 60 में से 50 आए हैं तो इसका मतलब है कि 10 गलत है तो नेगेटिव मार्किंग में आप वो 2.5 नंबर जो है उससे आप मजीद डिडक्ट कर लें, या मैं वो कंपाइल करके आप लोगों का ये जो ग्रुप है उसमें इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा जी आपके साथ। तो हमारे 2 मिनट है जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो people can ask, you people can share if any information you have. Assalamu alaikum sir. Ji wa alaikum assalam ma'am. Ji sir, kuch puchna tha lekin aaj ke lecture se relate nahi hai, wo kal ke lecture se. Vertical organization ko define kar dein, jo aapne usko longitudinal placement se relevant kiya tha na, wo samajh nahi aayi thi ke wo longitudinal place se kis tarah relevant hai. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने पूछकर हम सबकी रहनुमाई की है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मशहूर क्वेश्चन है। ये है जी, हमारे पास 2 किस्म की कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है वर्टिकल। हॉरिजेंटल जो है वो एट सेम लेवल होती है, मतलब अगर आप 6ठी क्लास का करिकुलर
जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उस एक ग्रेड, पर्टिकुलर ग्रेड को मद्देनजर रखते हुए आपने उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल से, या वो मुराद मैं ऐसे ले रहा था कि आपने अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स के लिए आपने करिकुला का जो आपके पास जो कंटेंट है उसको ऑर्गेनाइज करना है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद ये है कि अभी आपने सिक्स्थ ग्रेड के लिए किया है, उसके बाद आप सेवन्थ ग्रेड के लिए कर रहे हैं, एट्थ ग्रेड के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आप कर रहे हैं तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल है, और उसको हम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट भी कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारी इस मीटिंग का लास्ट मिनट चल रहा है जी। जी, सामने जो स्टूडेंट करिकुलम है सर, उसको हम इनफॉर्मल करिकुलम मिले सकते हैं? जो सॉरी, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर, जो हिडन करिकुलम है, जैसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन है, जैसे हमारी, जैसे हम घर से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, बाहर से सीखते हैं, तो ये हिडन करिकुलम को हम वैसे समझ सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। हिडन करिकुला और चीज है, और वो इनफॉर्मल एजुकेशन वो और चीज है। जी शुमाइन अब्शीर, प्लीज।